Hey guys, what's up? This is Jonath और आज मैं Remurdered, Tormented Father और Remurdered, Broken Porcelain दोनों गेम की फुल स्टोरी को एक साथ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। So let's get started. Remurdered, Tormented Father गेम के फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक मैडम स्पेंसका नाम के बुजुर्ग औरत को एक अनजान व्यक्ति मिस्टर मैनी नाम का काफी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। मिस्टर मैनी के इतने सारे प्रश्नों के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि वे एक पत्रकार हो सकते हैं और वे मैडम स्पेंसका के बीते हुए जीवन के घटनाओं को जानने आया है। मैनी पहले स्पेंसका से किसी बीमारी के बारे में पूछता है जो किसी को होने से उनके शरीर किसी भी जख्म को तेजी से हील कर सकता है। उस बीमारी से लोगों के हड्डी और भी मोटे आकार के हो जाते हैं और उनके टिश्यूज भी तेजी से रीजेनरेट करना शुरू कर देता है। स्पेंस का जवाब में कहती है ये बीमारी का कारण है लेपिडॉप्टर्स नाम के कीट यानी किसी किस्म का बटरफ्लाई या मॉथ। वे पहले इंसान के शरीर में घर बना लेते हैं और उनके शरीर के अंदर ही प्रजनन करके खुद की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद मैनी पूछता है आपको सभी लोग स्पेंसका के नाम से क्यों बुलाते हैं। जवाब में स्पेंसका बताती है स्वीडन में 30 साल रहने के कारण लोग आजकल उनको उस नाम से बुलाने लग गए हैं। मैनी पूछता है फिर आप इटली में वापस क्यों आ गए। स्पेंसका बताती है वे कभी कभार भूल जाती है पर उसने वादा किया था सब कुछ फिर से याद करने की। उसके बाद स्पेंसका अपने बीते हुए कल की कहानी शुरुआत से मैनी को बताना शुरू करती है। इसी के साथ स्टोरी फ्लैशबैक में चला जाता है और कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय रोजमेरी रीप नाम की 35 साल की लड़की से। रोजमेरी किसी सेलेस्ट फेल्टन नाम की बच्ची जो कुछ साल पहले लापता हो चुकी है उसको ढूंढ रही है और उस बच्ची को ढूंढते हुए अब वो एक वैन में रिचर्ड फेल्टन के बंगलों के सामने आ चुकी है। वो बच्ची सेलेस्ट रिचर्ड का गोद लिया हुआ बेटी थी जो 1971 के अक्टूबर में लापता हो गई है। रोजमेरी रिचर्ड के घर के तरफ जाने से पहले उसके कुछ मेडिकल फाइल्स के ऊपर नजर डालती है। रिचर्ड एक खतरनाक बीमारी का शिकार है जिसका कोई इलाज नहीं है। यह बीमारी उसके उम्र के साथ साथ और भी बुरा बनता जा रहा है। इसके वजह से रिचर्ड को अपने काम से रिटायर करना पड़ा और अब वो काफी कमजोर भी बन चुका है। उनके मेडिकल फाइल्स को देखते हुए रोजमेरी सेलेस्ट का एक तस्वीर वहां से निकालती है जिसके पीछे जेनिफर लिखा हुआ है। उसके बाद फेल्टन के बंगलों के बाहर इंटरकॉम में रोजमेरी खुद को सैंटा मार्गरिटा का डॉक्टर बताती है। दूसरी तरफ से एक लड़की उसको यहां आने का मकसद पूछती है। रोजमेरी जवाब में बोलती है वे रिचर्ड के बीमारी के बारे में बात करने आई है। ये सुन के वो लड़की बताती है रिचर्ड और उस जगह का मरीज नहीं रहा और उनको रोजमेरी की कोई भी मदद नहीं चाहिए। ये बोल के वो लड़की कॉल कट कर देती है पर रिचर्ड के बंगलों का गेट खुला होने के कारण रोजमेरी चुपके से उनके प्रॉपर्टी में घुस जाती है और दरवाजे पे नॉक करने पे वे रिचर्ड का नर्स ग्लोरिया से मिलती है। पहले ग्लोरिया रोजमेरी को वहां से चले जाने को बोलती है पर रोजमेरी उनके बीमारी का इलाज ढूंढ रही है ये जानने के बाद ग्लोरिया उसको बंगलों के अंदर आने देती है। बंगलों के अंदर पूरा अंधेरा है। ग्लोरिया बताती है रिचर्ड के बीमारी के वजह से उसको ज्यादा रोशनी से तकलीफ होता है इसलिए उनके बंगलों में इतना अंधेरा है। ग्लोरिया रोजमेरी को रिचर्ड के स्टडी रूम तक छोड़ने के समय रिचर्ड के पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करती है। वे बताती है रिचर्ड के साथ उसके पत्नी एरियाना का संबंध अच्छे नहीं है और एरियाना ज्यादातर समय अपने बेडरूम में ही अकेले बिताती है और रिकॉर्ड प्लेयर में एक ही गाना हमेशा सुनती रहती है। रिचर्ड के स्टडी रूम में वेट करते हुए रोजमेरी का नजर एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के ऊपर पड़ता है। वो देखती है रिचर्ड किसी एल्बर्ट एलियस वेमन का बिजनेस पार्टनर बनके एक रोजोगेलो नाम का फार्म चलाता था पर उस खेत में किसी कंटामिनेशन होने के कारण वहां काम करने वाली रेड नंस किसी बीमारी से संक्रामित हो गए थे। एस्मस जो उस फार्म का वन ऑफ द शेयर होल्डर था उसकी बेटी भी वहां रेड नन बन के काम कर रही थी और वो दूसरे नन के जैसे ही उस बीमारी का शिकार बन गई थी। जनता को इस कंटामिनेशन का पता चलने के बाद गवर्नमेंट द्वारा रोजोगेलो फार्म की कड़ी जांच हुई थी
जिसके वजह से 2 अक्टूबर 1971 को उनका बिजनेस रोजुगेलो फार्म बंद करवा दिया गया था। वो ये भी देखती है कि रिचर्ड और वेमेन मिलके उस फार्म में किसी गैर कानूनी प्रयोग कर रहे थे। वे एक फिनोक्सिन नाम के ड्रग बना रहे थे जिनको मार्केट में पहले ही गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया था उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के वजह से। उसके बाद रिचर्ड वहां आ जाता है। रिचर्ड रोजमेरी को बताता है उसको ये अनजान बीमारी 1958 में इजिप्ट में घूमने के समय हो गया था। वो ये भी बताता है उसके इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होने के वजह से उसको कोई नहीं ठीक कर सकता है। रोजमेरी रिचर्ड के मेडिकल फाइल से कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स देख के बताती है उसके बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में हार्मोनल बदलाव और फिनोक्सिल ड्रग पाया गया था और रिचर्ड कुछ मेडिकल टेस्ट को करने से भी इनकार कर दिया था। जवाब में रिचर्ड कहता है वो मेडिकल इंस्टीट्यूट उनके लिए कुछ नहीं कर पाया इसलिए वो वहां से चला आया। उसके बाद रोजमेरी रिचर्ड की बेटी सेलेस्ट के बारे में पूछना शुरू करती है। रिचर्ड बोलता है पुलिस को उसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था जिससे पता चले उसको किसी ने किडनैप किया है, इसलिए अंत में सबको समझ में आ गया कि सेलेस्ट अपनी मर्जी से ही उनको छोड़ के भाग गई थी। रोजमेरी रिचर्ड से पूछती है वो अपने बेटी को जेनिफर नाम से क्यों बुलाने लग गए थे। ये सुन के रिचर्ड अचानक गुस्सा हो जाता है। ये देख रोजमेरी रिचर्ड के पत्नी एरियाना से पूछताछ करने की मांग करती है। रिचर्ड जवाब में कहता है वो अभी घर पे नहीं है, लेकिन रोजमेरी को ऊपर एरियाना के कमरे से म्यूजिक की आवाज सुनाई देता है। रोजमेरी समझ जाती है रिचर्ड उससे झूठ बोल रहा है। उसी समय ग्लोरिया उनके घर में घुस के रिचर्ड को बताती है ये लड़की रोजमेरी झूठ बोल रही है। उसने इंस्टीट्यूट में कॉल करके पता किया है रोजमेरी नाम का कोई भी डॉक्टर वहां काम नहीं करती है। रोजमेरी का असलियत जानने के बाद रिचर्ड सेलेस्ट के बारे में सवालों का उत्तर ना देते हुए उसको अपने घर से निकाल देता है। ग्लोरिया दरवाजा बंद करने से पहले रोजमेरी को बताती है सेलेस्ट खुद अपनी मर्जी से भाग गई थी, ये सबको पता है। जवाब में रोजमेरी बोलती है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा जो मैं जान के रहूंगी, ये बोल के वो वहां से चली जाती है। रात के 8 बजे रोजमेरी छुपके ग्लोरिया को रिचर्ड के घर से जाते हुए देखती है। वो ये भी देखती है कि ग्लोरिया घर के बाहर एक जगह में गेट की चाबी छुपा के जाती है। उसका फायदा उठा के ग्लोरिया के जाने के बाद वो चाबी वहां से लेके रोजमेरी वापस रिचर्ड के बंगलो में छुपके अकेले ही घुस जाती है। रोजमेरी रिचर्ड के पत्नी एरियाना से मिलने उनके रूम में चली जाती है, पर एरियाना के बदले उसको उसके बेड में एक सड़ा हुआ डेड बॉडी मिलता है जो मौत से घिरा हुआ है। ये देख रोजमेरी काफी डर जाती है और रिचर्ड के पैरों की आवाज सुन के उस घर में मौजूद एक कबर्ड में छुप जाती है। रोजमेरी देखती है रिचर्ड आके उस डेड बॉडी से प्यार से बात करते हुए उसको जेनिफर नाम से बुलाता है और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। रोजमेरी को समझ में आ जाता है उसे किसी भी तरह से इस बंगलों से छुप के बाहर निकलना होगा, नहीं तो आज उसकी मौत पक्की है। बंगलों में अंधेरा होने के कारण रिचर्ड से छुपते हुए रोजमेरी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर अलग अलग रूम में जाते हुए रोजमेरी के हाथ एक फिल्म लगता है। उस फिल्म को चलाने के बाद वो देखती है रिचर्ड कोई हिप्नोसिस सेशन में मरीज के रूप में बैठा हुआ है और उसको फिनोक्सिल ड्रग भी दिया गया है। उस सेशन के दौरान रिचर्ड कहता है वो और उसकी पत्नी एरियाना सेलेस्ट को किसी के हाथ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भी बताता है कि सेलेस्ट लापता होने के कुछ समय बाद फिर से वो घर लौट आई थी, पर इस बार वो सेलेस्ट नहीं बल्कि जेनिफर बन के वापस आई थी, वही जेनिफर जो रिचर्ड के जिंदगी में बहुत पहले थी। रिचर्ड ये भी बताता है कि बचपन में उसके पिता उसको काफी मेंटल अब्यूज करता था और ड्रग देके उसको जेनिफर की सारी बातें भुला देता था, पर फिर भी रिचर्ड जेनिफर को चाहता था। रोजमेरी रिचर्ड का कोई भी बातों का मतलब समझ नहीं पाती है और वीडियो को देखते हुए अचानक रिचर्ड रोजमेरी के ऊपर पीछे से हमला करता है। रिचर्ड रोजमेरी को दीवार में लटका के बताता है ये पुरानी बुरी यादों को नष्ट हो जाना ही बेहतर है और इस फिल्म को वो जला देता है। रिचर्ड रोजमेरी को बताता है वो उसके बेटी सेलेस से काफी प्यार करता था, वो एक लौता जरिया थी जो रहने के कारण रिचर्ड और उसकी वाइफ एरियाना एक साथ खुश रहते थे, पर एक दिन उसको एक रहस्यमय इंसान आके वादा किया उसको उसके अतीत की बुरी यादों और तकलीफों से मुक्ति दिला सकती है वो, और उसके लिए पहले उसे अपनी बेटी सेलेस्ट को मारना होगा। रोजमेरी समझ जाती है वो सड़ा हुआ डेड बॉडी रिचर्ड की बेटी
सेलेस्ट की है और वो रिचर्ड के ऊपर गुस्सा होके बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रिचर्ड जवाब में बोलता है उसके पास और कोई चॉइस नहीं था, उसके बेटी को मार के ही वो जेनिफर को आने से रोक सकता था। ये बोल के रिचर्ड उस घर में मौजूद एक रेड ड्रेस पहना हुआ नन के तस्वीर के सामने झुक के प्रे करना शुरू कर देता है। इसका फायदा उठा के रोजमेरी जल्दी जल्दी खुद को फ्री करके उस घर से भाग जाने की कोशिश करता है, पर अचानक एक डरावना रेड ड्रेस पहना हुआ बिल्कुल उस तस्वीर से मिलता जुलता नन रोजमेरी को मारने की कोशिश करती है। उस नन का पूरा शरीर मौत से ढका हुआ था और वो रोजमेरी को अपने डरावने आवाज में सिस्टर बोल के बुला रही थी। रोजमेरी किसी तरह उस रेड नन से अपना जान बचाते हुए एक सफेद ड्रेस पहना हुआ छोटी बच्ची को ऊपर एटिक पे भागते हुए देखती है। रोजमेरी सोच में पड़ जाती है वो बच्ची असल में कौन थी, सेलेस्ट या जेनिफर, और उस बेडरूम में फिर किसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। रोजमेरी एरियाना के बेडरूम में फिर से आ जाती है, पर इस बार उसको वहां पे वो सड़ा हुआ मौत से घिरा हुआ डेड बॉडी नहीं मिलता है, बल्कि उस बेड में इस बार उसे एक तस्वीर मिलती है रोजोगेलो फार्म में काम करने वाली नंस की, जो किसी हादसे में उसी फार्म में जल के मर गई थी। उस पिक्चर के पीछे लिखा रहता है उनमें से सिर्फ एक नन उस हादसे से बच निकली थी, वो एस्मन की बेटी थी और उस फार्म का इंचार्ज भी थी। उसके बाद रोजमेरी उस सफेद कपड़ों वाली छोटी बच्ची के तलाश में ऊपर लॉफ्ट में आ जाती है। उधर आने के बाद वो देखती है वो जगह बहुत सारे डमीज और डॉल से भरा हुआ है। उसकी नजर एक पुराने तस्वीर पे पड़ती है, उस तस्वीर पे एक दरवाजा है जिसपे मार्कर से बहुत सारा दाग बनाया गया है, एज इफ कोई उस दरवाजे को वहां नहीं चाहता है। अचानक रोजमेरी के पीछे वो डरावना सफेद कपड़ों में छोटी बच्ची आ जाती है। रोजमेरी ये देख डर के मारे अपना जान बचाते हुए उस लॉफ्ट से उतरने के समय ऊपर से गिर के बेहोश हो जाती है। होश आने पे रोजमेरी खुद को एक टीवी के सामने पाती है। टीवी में रोजमेरी खुद को देखती है। रिपोर्टर बताता है पुलिस एक लड़की को ढूंढ रहा है जो आज सुबह एक फोन लाइन रिपेयरमैन को घायल करके उससे उसकी वैन और उसके क्लाइंट के कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चुरा के भाग गई है। रोजमेरी समझ जाती है पुलिस अब उसके पीछे है। अचानक वो देखती है वो डरावना छोटी लड़की भी उसके साथ बैठ के टीवी देख रही है। वो छोटी बच्ची बताती है टीवी में दिखा रहा उस लड़की का स्केच तुमसे काफी मिलता जुलता है, और वो लड़की लॉफ्ट में रोजमेरी को डराने के लिए उससे माफी भी मांगती है। रोजमेरी उस बच्ची से लॉफ्ट में देखा हुआ उस पुराने तस्वीर में मौजूद दरवाजे की लोकेशन मांगती है। वो बच्ची जवाब में बोलती है वो दरवाजा अब वहां मौजूद नहीं है, पर शायद रोजमेरी को उस जगह के फायरप्लेस के दीवार के पीछे कुछ मिल सकता है। ये सुनते ही रोजमेरी जल्दी से उस फायरप्लेस के अंदर घुस के एक प्लास्टर्ड किया गया दीवार को एक पुराने मूर्ति की मदद से तोड़ के एक रूम के अंदर चली आती है। रूम में घुसने के बाद रोजमेरी को समझ में आ जाता है ये सेलेस्ट का रूम है जो कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। उधर रोजमेरी को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है, उसको प्ले करके रोजमेरी को सेलेस्ट की वॉइस सुनाई देती है। सेलेस्ट बताती है वो उसके मॉम एरियाना के मदद से पहली बार घर से भाग गई थी, पर वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी इसलिए फिर से वापस आ गई उनसे मिलने और ये जानने के लिए कि उसका पिता उसे जेनिफर नाम से क्यों बुलाने लग गए थे। पर यहाँ लौटने के बाद उसके पिता रिचर्ड उसको और उसके मॉम को हमेशा बंद करके रखने लग गए और उनको हमेशा भूलने वाला ड्रग फिनॉक्सिल खिला के रिचर्ड जबरदस्ती उनको हिप्नोटिज्म सेशन में बैठने के लिए मजबूर करता था। कुछ दिनों के बाद सेलेस्ट सब कुछ भूलना शुरू कर दिया, कभी कभी उसको अपना नाम भी याद नहीं रहता था। वो रोते हुए खुद को कोसती थी कि वो वापस क्यों आए। एक दिन सेलेस्ट किसी तरह फिर से इस बंगलों से भाग जाती है, पर उसकी मॉम एरियाना काफी कमजोर होने के कारण वे अपने मॉम को साथ नहीं ले जा पाती है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रोजमेरी को जोर से सरदर्द होने लग गया। वो समझ नहीं पा रही थी यहाँ असल में हो क्या रहा है। उसको ये समझ में आ गया वो बेडरूम वाला डेड बॉडी सेलेस्ट की नहीं बल्कि उसकी मॉम एरियाना की है। रोजमेरी को आईने से डर लगता है और उस घर में बहुत सारा आईना होने के कारण वो डर के मारे सारे मिरर्स को तोड़ दिया। उसके आंखों के सामने एरियाना का सड़ा हुआ डेड बॉडी का विजन आने लग गया। इन सब से भागते हुए वो उसी रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी जहां से सेलेस्ट भी भागी थी, पर वो रास्ता स्लिपरी होने के कारण रोजमेरी गिर के सीधे नीचे सीवेज ड्रेन में पहुंच गई। ड्रेन से होते हुए निकलने के समय उस रेड नन
ऊपर से किसी नुकीली चीज से रोजमेरी को मारने की कोशिश कर रही थी। रोजमेरी किसी तरह उसके अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से निकल गई। वहां से निकलने के बाद रोजमेरी उस बंगलो के सेलर में आ जाती है, जहां उसको कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देख उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है। रोजमेरी को रिचर्ड का एक सर्टिफिकेट को देख के पता चलता है रिचर्ड फिल्टन ही जेनिफर है। रिचर्ड असल में एक लड़की है, पर बचपन में उसके पिता को एक बेटा चाहिए था, इसलिए वो रिचर्ड को जबरदस्ती भूलने वाली ड्रग फिनोक्सिल खिला के बहुत ज्यादा मात्रा में उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ओवरडोज करके उसे लड़का बनाने का कोशिश करता था। ये अब्यूजिव प्रोसेस में धीरे धीरे जेनिफर फिल्टन भूल गई कि वो एक लड़की है और पूरी तरीके से खुद को रिचर्ड फिल्टन यानी एक लड़का समझने लग गया। पर उसके ओरिजिनल आइडेंटिटी जेनिफर उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी जिंदा है, जिसके वजह से रिचर्ड एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट बन चुका है। वो सफेद कपड़े में जो बच्ची रोजमेरी से मिल रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड का और एक पर्सनालिटी जेनिफर है। और जब सेलेस्ट रिचर्ड के सामने बड़ी हो रही थी उसको देख रिचर्ड को उसके बचपन की याद आ रही थी और उसके साथ साथ वो सारे दर्दनाक मेंटल अब्यूज जो उसके पिता उसके साथ करता था। इसलिए रिचर्ड को समझाया गया अगर रिचर्ड सेलेस्ट को मार दे तो उसके अंदर का और एक पर्सनालिटी जेनिफर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जेनिफर रोजमेरी को मारने की कोशिश करती है, पर रोजमेरी किसी तरह उससे भागते हुए एलिवेटर में आ जाती है, पर एलिवेटर अटक जाता है। पर शुक्र है उसी समय वहां ग्लोरिया आ जाती है और रोजमेरी उसके भरोसे एक रूम में बेफिक्र बैठ जाती है, क्योंकि ग्लोरिया बताती है उसने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। उसके बाद रोजमेरी को इतना पैनिक करते हुए देख ग्लोरिया उसको हार्ट बीट स्लो करने का एक दवा देती है। रोजमेरी ग्लोरिया से पूछती है पूरा बंगलो बंद था फिर भी तुम अंदर कैसे आई। ये पूछते हुए रोजमेरी को चक्कर आने लग गए, उसको समझ में आ गया ग्लोरिया ने उसको बेहोशी का दवा दिया है और ग्लोरिया जानबूझ के उस बंगलो के सामने चाबी रख के गई थी ताकि रोजमेरी वो चाबी लेके बंगलो में घुस पाए। इसका मतलब है शुरुआत से ही ये सब कुछ रोजमेरी को फंसाने का एक चाल था। ग्लोरिया डरावने आवाज में बोलती है वही वो रेड नन है जो रोजमेरी को मारने की कोशिश कर रही थी और ये सुन के रोजमेरी बेहोश हो जाती है। होश आने पर रोजमेरी खुद को उसी रूम में अकेले पाती है। उधर ग्लोरिया के एक मेडिकल रिपोर्ट से रोजमेरी को पता चलता है ग्लोरिया वही रेड नन थी जो रोजोगेलो फार्म से बच निकली थी और वही एसमन की बेटी और वहां का इंचार्ज भी थी। सभी नंस के ऊपर फिनोक्सिल ड्रग का प्रयोग किया गया था जिसमें से ग्लोरिया भी एक थी, इसलिए अभी भी उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स के रूप में वो ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कॉर्टिसन से उसको बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। ये पढ़ के उसका सामना करने के लिए रोजमेरी उन चीजों को लेके उस घर से बाहर निकलती है, पर ग्लोरिया को मारने से पहले ही अचानक से जेनिफर आके फिर से रोजमेरी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। इस बार होश आने पर रोजमेरी खुद को एक डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है। उसके सामने रिचर्ड यानी जेनिफर बैठी है और ग्लोरिया उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है। रिचर्ड रोजमेरी से पूछता है तुम आखिर कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो और सेलेस्ट से तुम्हारा क्या रिश्ता है। ग्लोरिया रिचर्ड को अपना मुंह बंद करने को बोलती है पर रिचर्ड नशे के हालत में बकना बंद नहीं करता है तो गुस्से में ग्लोरिया उसका जीभ ही कांची से काट देती है और हिप्नोटाइज रिचर्ड को ग्लोरिया समझाती है कि रोजमेरी ही जेनिफर है। रिचर्ड अगर उसकी बेटी और खुद को एक साथ जला के मार दे तो उसको फाइनली बचपन के दर्दनाक यादों से शांति मिल जाएगी। ये बोल के ग्लोरिया उस रूम से चली जाती है और रिचर्ड खुद के ऊपर केरोसिन डाल के रोजमेरी के पास आ रही होती है, पर डर के मारे रोजमेरी खुद की जान बचाने के लिए रिचर्ड के ऊपर ही लाइटर जला के फेंकती है और रिचर्ड यानी जेनिफर रोजमेरी के आंखों के सामने जल के मर जाती है। रोजमेरी एलिवेटर से भागने के समय ग्लोरिया उसको रोकने की कोशिश करती है, रोजमेरी उसके चेहरे में कोर्टिसन से भरा हुआ एक सिरिंज इंजेक्ट कर देती है। ग्लोरिया उसके साइड इफेक्ट से गुस्से से पागल हो जाती है और रोजमेरी का पीछा करते हुए एटिक तक आ जाती है। रोजमेरी एटिक के सारे विंडोज खोल देती है और सूरज के किरणों से ग्लोरिया करीबन अंधी बन जाती है। उस ना सहन करने वाला दर्द में भी ग्लोरिया रोजमेरी को मारने की कोशिश करती है और फाइनली रोजमेरी को मारने के लिए वो अपने आंखों को ही एक कांच के टुकड़े की मदद से नोच लेती है।
रोशनी से उसकी आंखों की जलन को खत्म करने के लिए। इस बात का फायदा उठा के रोजमेरी चालाकी से एक खिड़की के सामने आवाज करके खिड़की को खोल देती है और ग्लोरिया उस खिड़की की तरफ दौड़ते हुए ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद रोजमेरी दौड़ते हुए नीचे ग्लोरिया के पास आ जाती है और उसको इस हालत में देख रोजमेरी को भी बहुत बुरा लगता है। ग्लोरिया मरने से पहले बताती है, तुम भी हमारे साथ उस रोजोगेलो फार्म में काम करती थी, तुम भी हमारे जैसे नन बनने वाली थी। उस समय युद्ध से लौटने वाले फौजियों को दर्दनाक घटना भुलाने के लिए एक एंटी साइकोट्रोपिक ड्रग दिया जाता था। ये ड्रग पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स के ऊपर मिराकिल जैसा काम करता था और वो फौजी सब कुछ भूल जाते थे। पर इस फिनोक्सिल ड्रग के खतरनाक साइड इफेक्ट्स के कारण उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया था। पर पैसों की लालच में रोजोगेलो फार्म का ओनर और बिजनेस पार्टनर्स रिचर्ड फेल्चन और वेमन दोनों मिलकर उनके फार्म में फिनोक्सिल को और भी बेहतर बनाने के ख्वाहिश में उस ड्रग को मौत से मिला दिया और वहां मौजूद सभी काम करने वाली नंस को टेस्ट सब्जेक्ट बना के उनके शरीर में ही ये ड्रग का और भी स्ट्रॉन्ग वर्शन फैला दिया गया। पर अंत में इससे सारे सिस्टर बीमार हो गए पर उनको उन मौत्स को कंट्रोल करने का पावर मिल गया। उसके साथ उनके हड्डी और भी मोटे और उनके हील करने की क्षमता और भी बढ़ गए। रेड नंस को रिचर्ड फेल्टन और वेमन द्वारा समझाया गया ये बीमारी गॉड की देन है। इस बात का विश्वास करते हुए सारे रेड नंस इस बीमारी को महामारी के रूप में दूसरे लोगों के ऊपर फैलाने का प्लान बना रहे थे। पर रोजमेरी को समझ में आ गया था ये बीमारी कोई गॉड का आशीर्वाद नहीं बल्कि एक सोच समझ के बनाया गया गैर कानूनी वेपनाइज्ड साइंस है और रोजमेरी उन सबको रोकने के लिए पूरे रोजोगेलो फार्म को जला दिया था। पर उसको अभी भी याद नहीं आ रहा है उसने उन नंस को भी जला के क्यों मार दिया था। ग्लोरिया बताती है वो एक लौती रेड नन थी जो उस आग से बच निकली थी। उसके बाद रिचर्ड से बदला लेने के लिए एक दिन उसने सेलेस्ट का पीछा करते हुए रिचर्ड के घर में नर्स बन के आ गई। रिचर्ड के पागलपन का फायदा उठा के उसको और भी ड्रग दे के हिप्नोटाइज करके उसने रिचर्ड को विश्वास दिलाया रिचर्ड की पत्नी एरियाना उसकी बेटी है और रिचर्ड उसके पत्नी को भी सेलेस्ट समझ के मार दिया उसके दर्दनाक बचपन के यादों से छुटकारा पाने के लिए। ग्लोरिया मरने से पहले रोजमेरी से इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है और उसको बताती है एक दिन जरूर तुम सेलेस्ट को ढूंढ लोगी। ये बता के ग्लोरिया रोजमेरी को सेलेस्ट के घर में मौजूद एक पियानो का की देके मर जाती है। रोजमेरी की को लेके सेलेस्ट के रूम में वापस आ जाती है और मिसिंग एरिया में उस की को फिट कर देती है। उस पियानो को बजाते हुए उसको पता चलता है उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। पियानो का कवर उठाने के बाद उसको एक पुराना बैग मिलता है जिसमें फ्लेमिंगटन गर्ल्स इंस्टीट्यूट नाम के किसी बोर्डिंग स्कूल का टैग लगा हुआ है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां मैनी स्पेंसका से पूछता है तो क्या यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद रोजमेरी सेलेस्ट का खोज करना बंद कर देती है। जवाब में स्पेंसका बताती है नहीं, उसने अभी तक हार नहीं मानी है। उसको पता है सेलेस्ट अभी भी कहीं पे जिंदा है और उसको उसे किसी भी तरह ढूंढना ही होगा। इसी के साथ सेलेस्ट की तलाश में रोजमेरी फिर से निकल जाती है और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत में कुछ अहम सवालों का उत्तर नहीं दिया गया है, जैसे कि मैडम स्पेंस का जो ये कहानी बोल रही है वो असल में कौन है और रोजमेरी सेलेस्ट का कौन लगती है और वो सेलेस्ट को इतने मुसीबतों का सामना करते हुए क्यों ढूंढ रही है। ब्रोकन पोर्सिलिन कहानी की शुरुआत होती है सेलेस्ट फेल्चन से। सेलेस्ट का निकनेम जेनिफर है जो उसका पिता रिचर्ड ने उसको दिया था और इसका कारण टॉर्मेंटेड फादर के कहानी में बखूबी से समझाया गया है। जेनिफर को उसकी मॉम एरियाना घर से भागने में मदद करने के बाद जेनिफर एक फ्लेमिंगटन गर्ल्स इंस्टीट्यूट नाम के लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल में आ जाती है पर उसके बुरे बर्तावों के कारण उसको वहां से निकाल दिया जाता है और उस इंस्टीट्यूट से उसको डायरेक्टली एशपेनिन नाम के होटल में नौकरानी के रूप में रहने के लिए भेजा जाता है। यह होटल स्टेफेनो एशमैन का है जो ग्लोरिया एशमैन का भाई है। स्टेफेनो एशमैन प्रोफेसर वेमन और रिचर्ड फेल्टन के साथ बिजनेस पार्टनर भी था रोजोगेलो फार्म में और गैर कानूनी फिनोक्सिल ड्रग को बनाने में उसका भी हाथ था। रोजोगेलो फार्म जलने के बाद उसी जगह में स्टेफेनो एशमैन ने यह होटल एशमैन इन बनाया है। इधर आने के बाद जेनिफर इस होटल का और एक नौकरानी लिन से मिलती है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन जेनिफर लिन को
गाते हुए सुनती है। उसको पता चलता है लिन इतना अच्छा गाने के साथ साथ वायलिन भी अच्छे से बजा लेती है। ये देख जेनिफर लिन को बताती है वो भी काफी अच्छे से पियानो बजा सकती है और एक आने वाले फेस्टिवल में एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है जहां उन दोनों को भाग लेना चाहिए। उस कंपटीशन में लिन गाना गाएगी और जेनिफर उसके साथ पियानो बजाएगी। लिन मान जाती है और उसी दिन से दोनों सबसे छुप के एक साथ उस कंपटीशन के लिए रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में करीबी और बढ़ जाती है और वे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। एक दिन लिन जेनिफर को लेके एस्मन के ऑफिस से पैसा चुरा के भाग रही होती है, पर अचानक उस होटल से वो दोनों बाहर निकलने के बाद लिन खुद रुक जाने का फैसला करती है। लिन जेनिफर को उसे छोड़ के वहां से भाग जाने को बोलती है और खुद एस्मन का बंदूक लेके अपने आप को मारने ही वाली होती है, पर जेनिफर उसको रोक देती है और खुद गिर के घायल हो जाती है। वो दोनों पकड़े जाने के बाद होटल का हाउसकीपर एंड्रिया जेनिफर को लेके एस्मन के ऑफिस में आ जाती है। जेनिफर अपने बुरे बर्तावों के लिए एस्मन से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। एंड्रिया के साथ बात करते हुए जेनिफर को पता चलता है स्टीफेनो एस्मन उसके बहन ग्लोरिया के ऊपर यौन शोषण करता था, इसलिए अपने बेटे के छवि को सुधारने के लिए एस्मन के माता पिता अपने खुद के बच्ची ग्लोरिया को भी रोजुगेलो फार्म के प्रयोग में शामिल कर लिया था ताकि ग्लोरिया भी फिनोक्सिल ड्रग लेने के बाद स्टीफेनो के काली करतूतों को पूरी तरीके से भूल जाए और स्टीफेनो एस्मन को किसी के सामने बदनाम न कर पाए। उसके बाद लिन जेनिफर से माफी मांगने आती है क्योंकि उसके लिए ही वो दोनों भागते हुए पकड़े गए, पर जेनिफर गुस्से में उसे अपने घर से निकाल देती है। रूम साफ करते हुए जेनिफर एंड्रिया को किसी रूम में खाना देते हुए देखती है। जेनिफर सोचती है उस होटल में फिलहाल कोई गेस्ट मौजूद नहीं है तो फिर एंड्रिया किसे खाना दे रही है। सामने आके जेनिफर देखती है उस प्लेट में एक जिंदा पक्षी मौजूद है जिसको एक डरावना हाथ दरवाजे के नीचे से आके लेके खा लेता है। डर के मारे जेनिफर वहां से भागने ही वाली होती है जब एंड्रिया पीछे से उसे पकड़ लेती है। जेनिफर एंड्रिया की तरफ देख चौंक जाती है। एंड्रिया पूरी तरीके से बदल गई है, उसके चारों तरफ मॉथ्स घूम रहे हैं और वो डरावने आवाज में हंसते हुए बोलती है उस रूम में जो चीज है उसको पहले सभी वेमन के नाम से जानते थे, वही वेमन जो रिचर्ड और एस्मन के साथ रोजुगेलो फार्म में काम करती थी। जेनिफर अपना जान बचा के एंड्रिया से भागते हुए उसके रूम में पहुंच जाती है। उसके बाद वहां से होटल का मेन चाबी चुरा के जेनिफर एस्मन इन होटल से भाग जाने का फैसला करती है, पर उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल में आने के बाद जेनिफर का सामना उसी डरावने व्यक्ति से होता है जिसे एंड्रिया खाना दे रही थी और जिसका असली नाम पोर्सलिन है। वो जेनिफर को दूसरे मंजिल से डरा के नीचे फेंक देता है और जेनिफर गिर के वहां बेहोश हो जाती है। जेनिफर को होश आने पर वो सबको बताती है उसने पोर्सलिन यानी वेमन को देखा था और एंड्रिया भी उसे मारने आ रही थी। वहां मौजूद सभी ये पूरी घटना को एक बुरा सपना बोल के टाल देते हैं। स्टीफेनो एस्मन बोलता है प्रोफेसर वेमन बहुत पहले मर चुका है, पर लिन सबके जाने के बाद जेनिफर को आके बोलती है तुमने जो कुछ भी देखा था सब कुछ सच है और अब एस्मन को पता चल चुका है तुम असली सेलेस्ट फेल्टन हो जिसको वो लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। लिन जेनिफर को ये भी बताती है कि उसकी असली माँ प्रेगनेंसी के समय भारी मात्रा में फिनोक्सिल ड्रग लेने की वजह से जन्म से ही जेनिफर यानी सेलेस्ट के अंदर उस ड्रग से पाए जाने वाले सारी खूबियां और शक्ति मौजूद है, पर उसका एक भी साइड इफेक्ट नहीं है जिसके वजह से दूसरे इन्फेक्टेड लोगों से जेनिफर काफी मूल्यवान है क्योंकि वो मॉथ्स को कंट्रोल कर सकती है और भारी जख्म को आसानी से हील भी कर सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स। कुछ देर बाद भागते हुए जेनिफर को स्टीफेनो एस्मन पकड़ लेता है। पहले एस्मन जेनिफर को बताता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुम ही इन सब चीजों को रोक सकती हो। लेकिन अचानक उस रूम में मौजूद लाउड स्पीकर से एक आवाज शुरू हो जाता है जिसको सुनते ही एस्मन का चेहरा बिल्कुल एंड्रिया की तरह बदल जाता है और एस्मन जेनिफर को गुस्से से बोलता है जेनिफर को रिचर्ड ने गोद नहीं लिया था बल्कि जेनिफर स्टीफेनो एस्मन और फेल्टन की असली बायोलॉजिकल बेटी है। एस्मन को एरियाना से प्यार था पर रिचर्ड के पिता ने एक बिजनेस डील को आगे बढ़ाने के लिए जबरदस्ती एरियाना के साथ रिचर्ड फेल्टन का शादी करवा दिया। तब से एस्मन को रिचर्ड के ऊपर गुस्सा था।
जेनिफर जवाब में बोलती है, तुम अपने बहन ग्लोरिया के साथ जो करते थे वो मुझे पता है, तुम एक जानवर हो। एजमन एंड्रिया के साथ जेनिफर को एक जगह में लॉक करके चला जाता है, पर जेनिफर अपने शक्ति का इस्तेमाल करके मॉड्स के मदद से वहां से निकल जाती है। उन लोगों से भागते हुए जेनिफर ग्लोरिया को रेडनान के रूप में देखती है, जो एशमैन इन में रोजुगेलो फार्म में हुए चीजों का बदला लेने आई है। उसे भागते हुए जेनिफर उस होटल का कुक और उसकी और एक दोस्त एलिसा से मिलती है। एलिसा बताती है सिर्फ जेनिफर ही एक है जिसके पास जन्म से पावर होने के वजह से वो लाउड स्पीकर से आते हुए आवाजों से जेनिफर हिप्नोटाइज नहीं हो रही है। बाकी सारे होटल के लोग ये आवाज के शुरू होते ही बदल जाते हैं, इसलिए सिर्फ जेनिफर ही बेसमेंट में जाके उस लाउड स्पीकर को बंद करके इन सब चीजों को रोक सकती है। ये बोलते हुए एलिसा भी उस आवाज को सुनने के वजह से बदलना शुरू कर देती है और जेनिफर वहां से भाग जाती है। एलिसा के कहने के मुताबिक जेनिफर होटल के बेसमेंट में आ जाती है, जहां उसे एक गुप्त फिनोक्सिल बनाने का लैब मिलता है। वहां उसको पता चलता है रोजुगेलो फार्म में मौत पैरासाइट्स के साथ फिनोक्सिल ड्रग का मिलावट करके जो खतरनाक नया ड्रग बनाया गया था, उसके मदद से लोगों के दिमाग पे हिप्नोटिक और टेलीपैथिक वे में कब्जा किया जा सकता है, और उसके बाद इस ड्रग से सारे इन्फेक्टेड लोग बिना सोचे समझे उनके लीडर के मुताबिक काम करेंगे। इस टेलीपैथिक हिप्नोसिस को किसी साउंड या फिर गाने के साथ शुरू किया जा सकता है और खत्म भी उसी तरह किसी आवाज से करना पड़ेगा। हिप्नोसिस फेज में इन्फेक्टेड लोग जो उनके लीडर के आदेश पे करेंगे, हिप्नोसिस खत्म हो जाने के बाद उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा। उस ड्रग में मौजूद मॉड्स पैरासाइट अपना लीडर खुद चुनते हैं, जिसको टेलीपैथिक वे में सबको हिप्नोसिस करने का पावर मिलता है। लेकिन जेनिफर यानी सेलेस्ट ये हिप्नोसिस से इम्यून है। प्रोफेसर वेमन को पहला लीडर बन के सबके दिमाग को कंट्रोल करने का पावर मिला था, जिससे वे सारे नंस के दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे। पर बाद में ग्लोरिया एशमैन लीडर बन गई, जिसके वजह से वेमन ग्लोरिया का भाई स्टेफेनो एशमैन के साथ मिलके रोजमेरी रीड, जो उसी जगह में काम करती थी, उसके दिमाग पे कब्जा करके उससे पूरी फार्म को जला देता है। पर ग्लोरिया उस आग से बच निकलती है। प्रोफेसर वेमन के ऊपर गैर कानूनी प्रयोग के चार्ज लगने की वजह से वे अपना ही मरने का नाटक रचा के एशमैन इन होटल में छुपके रहने लग गए। ग्लोरिया से लीडरशिप हारने के बावजूद वेमन फिर से दूसरों के दिमाग में लीडर बन के कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार उसका प्लान बैकफायर कर गया और उसका कॉन्शियसनेस उसके बॉडी से कहीं और चला गया और उसके बॉडी के ऊपर मौत पैरासाइट्स पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। पोर्सिलिन असल में वेमन का ही बॉडी है, जिसको पूरी तरीके से वे पैरासाइट्स कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी वजह से एशमैन इन होटल में अब और कोई लीडर ना होने के कारण एक हिप्नोटिक लूप क्रिएट हो गया है, जहां हर रोज एक हिप्नोसिस को ट्रिगर करने वाला आवाज बजता है और सारे लोग उसको सुन के हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जेनिफर फाइनली वेमन के हिप्नोटिक आवाज के ब्रॉडकास्ट को लाउडस्पीकर कंट्रोल रूम में जाके तोड़ के बंद कर देती है, पर अचानक पोर्सिलिन उसके पीछे पड़ जाता है। जेनिफर किसी तरह पोर्सिलिन से भागते हुए लिन से मिलती है और वे दोनों स्टीफन और एशमैन का एक गाड़ी चुरा के वहां से निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद लिन के पूछे जाने पर जेनिफर बताती है उसने उस प्लेयर को बंद कर दिया है। ये सुन के लिन पैनिक करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अभी कोई भी नया लीडर आके उनके दिमाग के ऊपर कब्जा करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। लिन का अंदाजा सही निकलता है और ग्लोरिया उनको भागने से रोक देती है और नया लीडर बन के एशमैन इन में उनको वापस लेके आ जाती है। ग्लोरिया जेनिफर को बताती है उसको जेनिफर से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए वो जा सकती है, पर ग्लोरिया एशमैन इन के हर एक लोगों से बदला लेके रहेगी, जिनके वजह से उसके सारे सिस्टर्स जल के मर गए। जेनिफर लिन के बिना जाने से मना कर देती है, पर ग्लोरिया लिन के दिमाग पे कब्जा कर लेती है और जेनिफर को पोर्सिलिन पकड़ लेता है। इसके बाद ग्लोरिया एशमैन इन होटल में नया लीडर बन के लिन के दिमाग को मीडियम बना के सबको पहले जैसे हिप्नोटाइज कर देती है। वेमन के बॉडी के ऊपर भले ही मॉस ने कब्जा कर लिया है, पर उसका कॉन्शियसनेस अभी भी एशमैन इन होटल में मौजूद है, जो जेनिफर से बातें करके उसको सब कुछ याद दिलाता है। जेनिफर को एक गाना याद आता है जिसे उसने और लिन ने मिलके बनाया था। वो समझ जाती है वही गाना एक्चुअल ट्रिगर है ये मास हिप्नोसिस को बंद करने के लिए। पोर्सिलिन और रेडनन ग्लोरिया से भागते हुए जेनिफर किसी तरह वो गाना बजा देती है
और लिन के साथ साथ सब फिर से होश में आ जाते। होश में आने के बाद ग्लोरिया को इन सब चीजों का जिम्मेदार मान के एंड्रिया गुस्से से ग्लोरिया को मारने आती है, पर पीछे से ग्लोरिया का भाई स्टेफेनो एशमैन एंड्रिया को गोली मार के ग्लोरिया को बचा लेता है। उसके बाद जेनिफर ग्लोरिया को बताती है उसका भाई एशमैन भी उसे मारना चाहता था, क्योंकि फिनोक्सिल ड्रग देने के बावजूद भी धीरे धीरे ग्लोरिया के सामने उसके बचपन के बुरी यादें आने लग गए थे, जब उसका अपना भाई स्टेफेनो एशमैन ही उसको सेक्सुअली हैरास करता था। जेनिफर के बातें सुन के ग्लोरिया को सब कुछ याद आ जाता है और गुस्से में ग्लोरिया मौत से एशमैन के पूरे चेहरे को बिगाड़ देता है और पोर्सिलिन को पोजेस करके स्टेफेनो का हाथ भी काट देती है। उसके बाद ग्लोरिया पोर्सिलिन को जेनिफर को भी मारने का कमांड देती है, पर सही वक्त पे लिन आके जेनिफर को पोर्सिलिन के हाथों से बचा लेती है। उसके बाद लिन पोर्सिलिन को पोजेस करके ग्लोरिया के पीछे ही लगा देती है। ग्लोरिया बहुत कोशिश करती है पोर्सिलिन को खत्म करने की, पर पोर्सिलिन किसी भी चीज से नहीं मरता है। उसके बाद पोर्सिलिन ग्लोरिया को मारने ही वाला होता है जब जेनिफर लिन से ग्लोरिया को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। लिन जेनिफर की बात मान के ग्लोरिया को जिंदा छोड़ देती है। ग्लोरिया भागने से पहले कसम खाती है, तुम सब ने हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया है और मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक रोजो गैलो फार्म के सारे ओनर्स मर नहीं जाते। ग्लोरिया जेनिफर की तरफ गुस्से से देख के बोलती है, मैं शुरुआत तुम्हारे पेरेंट्स से करूंगी। ये बोल के वहां से भाग जाती है। लिन और जेनिफर एक साथ भागने के समय जेनिफर अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के रुक जाती है। जेनिफर बताती है वो ग्लोरिया के हाथों से अपने माता पिता को बचाने के बाद लिन से उसी सिंगिंग कॉन्टेस्ट में आके मिलेगी। लिन को ये प्रॉमिस करते हुए जेनिफर उसे एक वायलिन गिफ्ट करती है जिसका नाम रोजमेरी है, और उसके बाद जेनिफर वहां से चली जाती है। और जेनिफर का पीछा करते हुए ग्लोरिया भी फिल्टन के घर चली आती है और रिचर्ड फिल्टन को ड्रग देके हिप्नोटाइज कर लेती है, और जेनिफर यानी सेलेस्ट फिर से अपना जान बचा के वहां से भाग जाती है। इस घटना के कई सालों बाद रोजमेरी रीड यानी लिन सेलेस्ट को ढूंढते हुए रिचर्ड के घर चली आती है, जहां रीमदर्ड टॉर्मेंटेड फादर गेम की घटना दिखाया जाता है। उसके बाद रिचर्ड और ग्लोरिया मरने के बाद रोजमेरी सेलेस्ट को ढूंढते हुए एशमैन इन होटल में आ जाती है। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात स्टेफेनो एशमैन से होता है, जिसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका है ग्लोरिया के द्वारा मौत पैरासाइट्स के अटैक के वजह से। स्टेफेनो रोजमेरी को देखते ही पहचान लेता है कि वो लिन है। लिन को पता है कि स्टेफेनो को मालूम है जेनिफर यानी सेलेस्ट अभी कहां पे है, पर पूछे जाने पे स्टेफेनो उसको उसका पता बताने से इनकार कर देता है। गुस्से में लिन स्टेफेनो को किडनैप कर लेती है और उसे फिर से हिप्नोटाइज करने का धमकी देके उससे सारी बातें पता करती है। स्टेफेनो बताता है जेनिफर यानी सेलेस्ट अभी स्वीडन में मैडम स्पेंसका के नाम से रहती है और वो अभी एक राइटर बन चुकी है। लिन पूछती है सेलेस्ट के एशमैन इन होटल में आने से पहले कितने सारे छोटी बच्ची को सेलेस्ट समझ के लाया गया था। जवाब में स्टेफेनो बताता है वेमन के हिप्नोटिक लूप को खत्म करने के लिए उन लोगों ने लगभग 14 छोटी बच्चियों को सेलेस्ट समझ के किडनैप किया था, पर बाद में जब उनको मालूम पड़ा उनमें से कोई भी सेलेस्ट नहीं है तो उनको एशमैन ने मार दिया था। ये सुन के लिन रोते हुए गुस्से में स्टेफेनो को गोली मार के वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां स्पेंसका मैनी को बताती है दूसरी बार जब सेलेस्ट अपने घर लौट आती है तो उसका पिता रिचर्ड फिल्टन को ग्लोरिया ड्रग देके पूरी तरीके से पागल बना देती है, और रिचर्ड तब से जबरदस्ती सेलेस्ट को भूलने वाली ड्रग देके हिप्नोटाइज करना शुरू कर देता है। सेलेस्ट अपना जान बचा के किसी तरह वहां से निकल तो जाती है, पर उसको लिन और बाकी सभी चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। मैनी पूछता है लिन ने कभी आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और ये सारा चीज आपको पता कैसे चली अगर आप दोनों उसके बाद कभी मिले ही नहीं। स्पेंस का बताती है कि लिन ये सोच के खुश थी कि सेलेस्ट उसके दर्दनाक बचपन के सारे यादों को भूल के एक नया खूबसूरत जिंदगी शुरू किया है और इसलिए उसने कभी भी सेलेस्ट से मिलने की कोशिश नहीं किया। पर प्रेजेंट में एक साल पहले सेलेस्ट को एक कॉल आता है जहां उसको पता चलता है लिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मरने से पहले लिन आखिरी बार सेलेस्ट से मिलना चाहती है। सेलेस्ट से मिलने के बाद लिन ये पूरी कहानी उसे बताती है और दूसरे दिन ही वे मर जाती है। मिस्टर मैनी अपने बड़ी बहन जिसको एशमैन ने सेलेस्ट समझ के किडनैप कर लिया था उसको ढूंढते हुए बड़ी मेहनत करके इतने सालों बाद
स्पेंस्का के पास जवाब मांगने आया था, पर उसे भी दुख और मायूसी के साथ घर लौटना पड़ता है क्योंकि उसके बहन को भी एश्विन ने मार दिया था। अंत में स्पेंस्का बताती है इतने सालों से सिर्फ लिन ही एक लौती लड़की है जो इतने सारे दर्दनाक यादों को लेकर अकेले जीती रही। स्पेंस्का बोलती है, मुझे पता है कि लिन कभी कभी उस थिएटर में जाके सेलेस्ट का इंतजार करती थी इस आशा में कि शायद किसी दिन सेलेस्ट को सब कुछ याद आ जाए। फाइनली वो लोग एक दूसरे को किया गया वादा निभा के एक साथ उस सिंगिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाए। स्पेंस्का रोते हुए खुद को और लिन को उसी थिएटर में परफॉर्म करते हुए सोचती है और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Ronan Taholic.